हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाली इडली। अगर आप भी चावल और दाल सोख करना भूल गई हैं तो झटपट इस तरीके से बनाइए इडली। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए लेंगे हम एक बॉल, उसमें लेंगे हम यहाँ पे 1.5 कप सूजी, 1.5 से 2 कप, आप जितना बनाना हो आप उस अकॉर्डिंग सूजी ले सकती है। और उसमें हम लेंगे यहाँ पे 1.5 कप दही, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा कप पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट होने के लिए रखेंगे। दस मिनट बाद हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है चॉप कैबेज, शिमला मिर्च, धनिया पत्ता, बीन्स, गाजर और हरी मिर्च। सभी को हम इसमें मिक्स करेंगे। सभी वेजिटेबल हमारे फाइन चॉप होना चाहिए और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हम लेंगे इडली स्टैंड, उसमें थोड़ा ऑयल डाल के हम दो स्टैंड को ग्रीस कर लेंगे। हमें इसे ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस करना है। और अब हम बैटर में डालेंगे 1 इनो। ये जो मार्केट में मिलती है 7 से 8 रुपये वाली 1 पैकेट इनो हम इसमें डाल देंगे। और इस पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और हम बैटर को इडली स्टैंड में फिल करेंगे। जितना बैटर आ सके आप उसमें उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी में इसमें फिल कर सकते हैं। सभी प्लेट में हम अच्छे से इसको फिल कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसी के स्टैंड में थोड़ा सा पानी। पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे फिल की हुई प्लेट। और अब हम इसे अच्छे से कवर करेंगे। अच्छे से कवर करके हमें मीडियम फ्लेम पे इसे 15 मिनट तक पकाना है। और 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। इडली हमारी बिल्कुल अच्छे से बन गई है। देखिए कितनी अच्छी फूल की साड़ी इडली ऊपर आ गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो लग रही है ना बिल्कुल जालीदार इडली बनी है, वो भी बिना चावल और दाल के। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।